हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप प्याज को लेके, जो कि छिपकलियों को भगाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये छिपकलियों को भगाने के लिए। इसको मैंने 15 से 20 दिन हो गए हैं मुझे इस ट्रिक को ट्राई करते हुए, तो अभी तक मुझे किचन में एक भी छिपकली नज़र नहीं आई है। तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि छिपकली को हम कैसे इजीली अपने किचन से, अपने रूम से भगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक प्याज लेनी है और उसको इस वीडियो में जिस तरीके से दिखाया गया है उसे छील लेना है। उसके बाद प्याज को 4 पीसेस में डिवाइड करना है और इसकी जो भी पेटल्स होती हैं उनको सिंगल सिंगल करके सबको अलग अलग कर लेना है, जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रिक है और बहुत इसकी जो गंध होती है, प्याज की जो स्मेल है, उससे छिपकलियाँ बहुत जल्दी भाग जाती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी छिपकलियों की, अगर छिपकलियाँ किचन में आ जाती हैं तो। तो फ्रेंड्स, पेटल्स जो हैं वो सब अलग हो गई हैं, तो मैंने ले लिया है सुई धागा। तो इस तरीके से आपको सिंगल सिंगल पेटल को धागे में सुई की हेल्प से पिरो लेना है। तो देख लीजिए, इस तरीके से आप 7-7 8-8 पीसेस को आप सुई धागे में इस तरीके से पिरो के एक माला टाइप बना लीजिए और उसको इस तरीके से एक गांठ बांध दीजिए। तो इसी तरीके से हम बाकी के जो हमारे प्याज के पीसेस बचे हैं उनकी भी हम इसी तरीके से धागे में पिरो के माला टाइप बना लेंगे, ताकि ये इकट्ठे जुड़ी रहें और हमें हैंग करने में और या रखने में हमें आसानी हो। तो देख लीजिए, इस तरीके से मैंने दो तैयार हो गए हैं। हम 3 सेट्स को इस तरीके से तैयार कर लेंगे। आप चाहे जितने भी इनको बना सकते हो और जगह जगह आप इनको लटका सकते हो, रख सकते हो, जिससे कि जिसकी स्मेल से छिपकलियाँ बहुत जल्दी घर से भाग जाती हैं। तो बस मेरे तीनों के तीनों जो सेट्स थे वो अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये देख लीजिए, इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो बस अब हम इनको रख देते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। तो देख लीजिए, अब जो मैंने पहले प्याज रखे थे वो सूख चुके हैं, तो मैं उनको हटा दूँगी और जो मैंने अब नया तैयार किया है सेट उसको रख दूँगी। तो एक मैं इस कॉर्नर पर रखूँगी, क्योंकि ताकि जो छिपकलियाँ हैं वो किचन प्लेटफॉर्म पर तो बिल्कुल भी ना आए। और एक रखूँगी मैं दूसरे कॉर्नर साइड पे, जिस जगह मुझे छिपकलियाँ काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं घूमती हुई। तो बस अब दूसरी मैं जो मैंने सेट तैयार करा है वो यहाँ पे रख दूँगी और एक सेट को मैं कर दूँगी दीवार पे हैंग, जहाँ से जो है छिपकलियों की एंट्री शुरू होती है। तो ये एक सेट जो है मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है, तो अब दीवार पे भी नहीं आएंगे छिपकलियाँ और अंदर एंटर होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।